के करण स्टेडियम में मुख्यालय से टीम ऑडिट करने के लिए पहुंची, जिसमें उन्होंने स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए लाए गए सामान के बारे में जानकारी प्राप्त की। खेल विभाग करनाल के अधिकारी दिलबाग सिंह ने बताया कि मुख्यालय से रूटीन तौर पर ऑडिट करने के लिए 3 अधिकारियों की टीम यहां पहुंची है, जो साल में या 2 साल में एक बार ऑडिट करने के लिए आते हैं, जिनको पूरी जानकारी दी जाती है। यहां हम आपको बता दें कि पिछले दिनों हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह द्वारा करण स्टेडियम में अचानक से छापेमारी की गई थी, जिसमें स्टेडियम के खिलाड़ियों के लिए सामान में कुछ कमी पाई गई थी, जिसके चलते कई अधिकारियों को जांच के लिए बुलाया गया था। वहीं आज मुख्यालय से आई टीम स्टेडियम में ऑडिट के लिए पहुंची है एवं जांच पड़ताल की गई। गौरतलब है कि करण स्टेडियम को आधुनिक खेल तकनीक से तैयार किया जा रहा है, ताकि यहां पर खेलकर खिलाड़ी राज्य स्तर पर व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमा सके। क्या कहेंगे, जो ऑडिट टीम आई हुई है वो कौन, किस स्तर के लेवल के अधिकारी हैं और क्या मामला है? ये अपने मुख्यालय से, मतलब अपना जो एजी डिपार्टमेंट है वहां से ये अधिकारी आए हैं और अपना यहाँ की ऑडिट की जांच करेंगे ऑफिस की। करना कितने अधिकारी आ रहे हैं? 3 अधिकारी आए। मामला क्या है? कोई 10 लाख 19 हजार का कोई? नहीं नहीं नहीं, ये पार्टिकुलर कोई मामला नहीं है, ये पूरे ऑडिट रूटीन का होता है, 2 साल में, 1 साल में, 4 साल में, सरकार की मर्जी है कब करें। मंत्री संदीप आए थे, मंत्री जी आए थे, उन्होंने आदेश दिया था, छापा मारा था, उसमें सामान कम निकाला नहीं। हाँ, मंत्री जी आए थे, सामान कम मिला था ना मिला था ये हमारे नॉलेज में नहीं है। जब इसकी ऑडिट होगा, इसकी जांच होगी, तब पता लगेगा कम था कि ना। कितने दिन से यहाँ पर चल रही है जांच? ये 5 तारीख से चलेगी, ये एक वीक तक चलेगी। कोई सामने आया, कोई ऐसा ही ऑडिट पार्टी है, ये यहाँ किसी को कुछ नहीं बताएगा। अगर इनका कोई संज्ञान में होगा तो ये अपना अंडरलाइन करेंगे और अपना साथ लेके जाएंगे। जो यहाँ पर सामान कम मिला था वो कहाँ गया? अभी तक तो यही साबित नहीं हुआ सामान कम मिला है कि नहीं मिला है। तो 10 लाख 19 हजार का कैसे? ये जहाँ तक हमारे को नॉलेज है, ये एक ऑडिट का पैरा है मुख्यालय से, उस पैरे में कुछ ऐसा किया गया है, हम ये नहीं कह सकते ये घपला है। ऑडिट तो यहाँ भी चल रही है, भी किसी चीज को ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं बाद में वो। तो यहाँ सामान पूरा है जो भी आया पूरे सप्लाई करने के? ये तो देखो, जब तक हर चीज भी एक काउंटिंग नहीं हो जाती, जब तक हम कोई दावा नहीं कर सकते। आपका पूरा नाम? मैं दिलबाग सिंह। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।